दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने रविवार देर शाम को सभी 250 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। कांग्रेस ने अपनी ये लिस्ट भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जारी की है। दरअसल कांग्रेस की लिस्ट में नए लोगों को तरजीह दी गई है, वहीं पुराने नेताओं में गिने चुनों को ही टिकट दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व महापौर फरहाद सूरी समेत करीब 15 पूर्व पार्षदों पर दांव खेला गया है। अलावा भाजपा और आप से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी में शामिल किए कई नेताओं को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ट्वीट किया है। चौधरी ने कहा कि मुझे MCT चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अनुमोदित लिस्ट की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। कांग्रेस ने भाजपा एवं आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्षद रहे कई नेताओं को भी मैदान में उतारा है। इनमें पूर्व महापौर फरहाद सूरी, पूर्व उप महापौर वरियम कौर, निर्मला वत्स, मनदीप सिंह, प्रेरणा सिंह, सीमा ताहिरा, दर्शना, अनीता पुष्पा सिंह, नरेंद्र कौर कैप्टन आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने विधायक का चुनाव लड़ चुके शांति स्वरूप को भी टिकट दिया है। गौरतलब हो कि दिल्ली में MCT चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो गए थे। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन पत्र की 16 नवंबर तक स्क्रूटनी होगी। नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख 19 नवंबर होगी। दिल्ली में विधानसभा 70 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटें चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में 68 विधानसभा सीटों पर होंगे। इसमें 250 वार्ड हैं। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे।